गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल। दिस इज माय सेकंड वीडियो और किस चीज़ के लेके, यानी कि पार्ट थर्ड हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने प्रोनाउन डिस्कस किया था, उसके दो पार्ट डिस्कस किए थे। नेक्स्ट थर्ड में हमने प्रोनाउन के तीन पार्ट डिस्कस किए थे और आज हम कर रहे हैं ग्रामर की बुक एक्सरसाइज, किसकी? प्रोनाउन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द प्रोनाउन यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको क्या निकालना है? प्रोनाउन फाइंड आउट करनी है, खोजनी है, जो सेंटेंसेस में यूज हुई है। तो हरी एंड आलोक वेंट टू देयर रिस्पेक्टिव होम्स। हरी और आलोक क्या हो गया? नाउन हो गया। तो प्रोनाउन क्या आ जाएगा बेटा इसमें? देयर आ जाएगा, टी एच ई आई आर। नेक्स्ट, आई वॉज लेट यस्टरडे। मैं कल क्या हो गया था? मुझे आने में देर हो गई थी, या मैं कल आने में देरी से आया। तो आई वॉज लेट यस्टरडे, आई की जगह अगर हम यहाँ पर नाम यूज करते राम श्याम तो वो हो जाता नाउन, लेकिन आई किसी भी नाउन के लिए यूज किया गया है, ही शी व्यक्ति के लिए यूज किया गया है, तो आई क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। अब दे डिड नॉट गो टू मार्केट, वो क्या? वे मार्केट नहीं जा रहे, नहीं गए, तो दे क्या आ जाएगा? नाउन, प्रोनाउन आ जाएगा। This is the boy who stole my book. ये वही लड़का है जिसने मेरी बुक चुराई। तो this आ गया, who आ गया, और इसके साथ साथ इसमें एक और आ जाएगी my. This, who और my, ये इसमें ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट है, रजनी sold his this sum herself. रजनी ने ये सवाल खुद से ही सोल्व किया, तो this और herself. The cat killed the rat itself, तो इसमें आ जाएगा itself. Next, which one is your book? तो इसमें आ जाएगा which और your. Next, this is my brother's bike. ये मेरे भाई की बाइक है, तो आ जाएगा this. Is it clear or not? Okay. Now we discuss question number second. Question number second करते हैं अब हम।
देखो बेटा वो क्या कहता है सेंटेंस में, गिवन बिलो सम प्रोनाउंस, कुछ प्रोनाउंस क्या है आपके सामने दी गई है, व्हाट काइंड ऑफ प्रोनाउन दे आर। अब हमें क्या बताना है ये किस टाइप की, यानी कि जो हमने पांच काइंड डिस्कस किए थे वो पूछ रहा है कौन से टाइप की ये प्रोनाउन है, और इनमें से जो भी आपके सामने एग्जांपल दिए गए उनमें से किसी एक, हर सेंटेंस के एक एक एग्जांपल का आपको सेंटेंस में वाक्य में प्रयोग भी करके दिखाना है। तो फर्स्ट है हमारे पास दिस दैट दीज दोज। फर्स्ट हमारे पास क्या है, दिस दैट दीज दोज, तो ये किस टाइप की हैं प्रोनाउन है बेटा, ये प्रोनाउन का पार्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन सी प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव। ये बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, DEMONSTRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब कोई भी एक दिस दैट दीज दोज में से किसी भी एक का यूज कर लो, जैसे कि हम यूज करते हैं दोज का, दोज आर योर बुक्स, ये हमारा यूज हो गया सेंटेंस में किसका, दोज का। अब नेक्स्ट पे चलते हैं आई वी अस, यानी कि आई वी अस किस टाइप की प्रोनाउन है, आई वी अस ये हो जाएंगी बेटा पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन का टाइप है ये, पर्सनल प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस है ये। अब हमें आई वी अस का यूज करना है किसमें, सेंटेंस में, तो यूज करेंगे I sold this sum, या I am ill, कुछ भी फील कर सकते हैं। नेक्स्ट myself, ourself, itself, myself, ourself, itself, ये हो जाएगा बेटा रिफ्लेक्सिव, कौन सी प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएंगी। अब हमें इसके किसी भी एक सेंटेंस का यूज करके दिखाना है, तो रिफ्लेक्सिव में अगर हम यूज करें माई सेल्फ का यूज करते हैं, माई सेल्फ। नेक्स्ट हु हुज व्हाट हुम, हु हुज व्हाट हुम, ये आ जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हो जाएगा ये, और इंटरोगेटिव में हु हुज इनका यूज करना है, तो इंटरोगेटिव में लिख सकते हैं हुज पेन इज दिस, पेन इज दिस, क्लियर है, और पीछे इंटरोगेटिव में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्लियर है। नेक्स्ट इसके दो और एग्जांपल रहते हैं,
you, your, yours or them. You, yours or them. ये भी किसका है? पर्सनल प्रोनाउन का, लेकिन क्या पर्सनल प्रोनाउन का? सेकेंड पर्सन के लिए, लेकिन अभी आ जाएगा ये पर्सनल प्रोनाउन में. पर्सनल प्रोनाउंस तो यू, 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 यूअर और देम, इनमें से कोई भी एक हमें क्या करना है? सोल्व करना है. तो किसी भी एक का एग्जाम्पल आप लिखो. जैसे कि हम यू का लेते हैं, यू आर लुकिंग ग्रेट हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, इस तरह से. नेक्स्ट ही, शी, इट, दे. ही, शी, इट, दे, ये पर्सनल प्रोनाउन का थर्ड पर्सन का वो है, लेकिन आ जाएगा इसमें पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन के भी थर्ड पर्सन, जो तीन टाइप थे, ये थर्ड पर्सन में यूज होता है. तो यू, वी, तो इसका हमें क्या यूज करना है? फिलअप में, सेंटेंस में यूज करना है. तो यूज करेंगे जैसे कि ही इज एन इंजीनियर, ही इज एन इंजीनियर. वह क्या है? इंजीनियर है. क्लियर है? इतना समझ में आया? नेक्स्ट हमारा क्या है? सेंटेंस में यूज करना है इन प्रोनाउंस का. फर्स्ट है यू, सेकंड है दिस, थर्ड है दोज, फोर्थ है हु, फिफ्थ है व्हाट, सिक्स्थ है हुम, सेवंथ है वी. इनका हमें किस में? सेंटेंस में यूज करना है. तो सबसे पहले यू, यू का क्या यूज करेंगे बताओ मुझे जल्दी से. यू का यूज बताओ भाई. जैसे कि यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलना पसंद करते हो? या डू, डू आ जाएगा इसके सामने. डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट?
डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट. नेक्स्ट ऐसे ही दिस का यूज बताओ. जैसे कि दिस में कर सकते हैं दिस इज माई बुक. क्लियर है. नेक्स्ट दोज का यूज बताओ. हाँ जी बेटा जल्दी से बताओ दोज का यूज. दोज आर योर नोटबुक. दोज आर योर नोटबुक. नेक्स्ट हु. Who are you? कौन हो तुम. नेक्स्ट what? What is this? यह क्या है. नेक्स्ट whom? Whom do you? Want to meet. Next we का यूज क्या करेंगे. We pray to God. Is it clear? ये थी आपकी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन थर्ड की बुक एक्सरसाइज. अब रहता है क्वेश्चन फोर्थ और क्वेश्चन फिफ्थ. वो हम कल कंटिन्यू करेंगे. अगर बेटा आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल लर्निंग हब इंडिया का स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग. थैंक यू.